आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, सो लेट अस सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम। कैन यू द वेरिएशन ऑफ क्वांटिटी ए विद क्वांटिटी बी प्लॉटेड इन द फिगर। डिस्क्राइब द मोशन ऑफ पार्टिकल इन ए स्ट्रेट लाइन। ऑप्शन ए क्या दिया है, क्वांटिटी बी मी रिप्रेजेंट टाइम। तो अगर मैं क्वांटिटी बी की बात करूंगा तो क्वांटिटी बी टाइम को रिप्रेजेंट कर सकती है या नहीं कर सकती, इस बात का हम क्लैरिफिकेशन कैसे देते हैं। हम कहते हैं कि जो हमारा टाइम होता है, जनरली टाइम हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही लेना पड़ता है। तो टाइम इज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में हम दूसरे पैरामीटर्स को मेजर करते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जनरली हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेते हैं। और दूसरी बात, टाइम से ये पता होती है कि टाइम हमेशा ऑलवेज हमारे हमेशा कभी नेगेटिव नहीं होता, टाइम ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो टाइम को हमेशा पॉजिटिव एक्सिस पे हम ड्रॉ करते हैं। इन दोनों बातों को सेटिस्फाई कर रहा है पैरामीटर बी, इसलिए बी रिप्रेजेंट टाइम। अब बात करते हैं ऑप्शन बी की, क्वांटिटी ए इज वेलोसिटी इफ मोशन इज यूनिफॉर्म। मगर मोशन इज यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है गाइज, कि अगर मोशन यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब ये होता है गाइज कि वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। और यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट। और अगर वेलोसिटी हमारी यूनिफॉर्म है, इट मींस वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। जैसा कि डायग्राम या प्लॉट से हमें पता चल रहा है कि पैरामीटर ए इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू बी विच इज नॉट कांस्टेंट। बट अगर इफ पैरामीटर ए इज यूनिफॉर्म, इट मस्ट हैव टू कांस्टेंट वैल्यू। तो ऑप्शन बी नहीं हो सकता वेलोसिटी, क्योंकि ये कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। अब बात करते हैं कि यूनिफॉर्म का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। तो वेलोसिटी कांस्टेंट का क्या मतलब हुआ, वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब गाइस ये होता है, वेलोसिटी की डिफाइनिंग हम करते हैं रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट से। और फिजिकल मीनिंग होता है डेट इज द स्लोप ऑफ एक्स वर्सेस टाइम। एक्स वर्सेस टाइम, पोजीशन वर्सेस टाइम के स्लोप को बोलते हैं हम वेलोसिटी। स्लोप का मैथमेटिकल मतलब होता है टेन थीटा। थीटा होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल। अब हम कहते हैं कि यार अगर टेन थीटा, मतलब टेन थीटा अगर हमारा पॉजिटिव है तो उस केस में थीटा हमारा फर्स्ट या थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल होता है। राइट, हम बोल सकते हैं कि थीटा एक्यूट एंगल। अगर गाइज हमारा टेन थीटा लेस देन जीरो में, स्लोप लेस देन जीरो, उस केस में थीटा इज ऑब्टूज एंगल सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल। और गाइज अगर हमारा टेन थीटा जीरो हुआ, डेट इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू जीरो आर पाई। तो यहाँ से हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता चल गई स्लोप से रिगार्डिंग। इसका मतलब अगर मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हम बोलेंगे स्लोप कांस्टेंट है, जैसा कि इस पर्टिकुलर केस में हो रहा है यूनिफॉर्म मोशन के केस में। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है गाइज कि हमारा स्लोप कांस्टेंट है। अब स्लोप कांस्टेंट होना किस बात को रिफर करता है, कि हम कहें स्लोप कांस्टेंट किसका हो सकता है, इसका टेन थीटा कांस्टेंट हो। और गाइज टेन थीटा कांस्टेंट कब हो सकता है, जब थीटा कांस्टेंट हो। और गाइज थीटा कांस्टेंट किसके लिए होता है गाइज, हम कहें कि यार थीटा कांस्टेंट होता है स्ट्रेट लाइन के लिए। इसका मतलब गाइज कभी भी वेलोसिटी कांस्टेंट दिया है, स्लोप कांस्टेंट दिया है, तो उसका ग्राफ गाइज हमेशा क्या बनेगा, स्लोप कांस्टेंट। कभी भी अगर हमें पता चले तो हम डायरेक्टली रेफर कर सकते हैं कि ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनने वाला है। इसका मतलब कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उस केस में एक्स वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन बनने वाला है, जैसा कि इस केस में बना है। अब यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन कैसा, तीन तरीके के केस ले सकता है, स्ट्रेट लाइन हैविंग पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप एंड जीरो स्लोप। तो अगर हम पर्टिकुलर इस प्रॉब्लम में देखें तो हमारा जो स्लोप बना है ए और बी के बीच का, इसका टेन थीटा गाइज अगर हम बात करें स्लोप पॉजिटिव है, क्योंकि थीटा एक्यूट एंगल है। तो टेन थीटा इज ग्रेटर देन जीरो, इट मीन्स टेन थीटा क्या होगा, अगर ए पैरामीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट हो और बी टाइम हो, ये वेलोसिटी को बताएगा और ये बताना चाहेगा वेलोसिटी इज ग्रेटर देन जीरो। तो क्वांटिटी ए रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट इफ मोशन इज यूनिफॉर्म, डेट इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर।
यह बात हमें यहां से पता चल गई। अब बात करते हैं डी की, क्वांटिटी इज वेलोसिटी इफ मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। अब बगैर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड की बात करेंगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का क्या मतलब है? तो अगर हम बात करते हैं यार कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, इट मीन्स एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड की हम मतलब हुआ गए कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म मतलब एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट। एक्सीलरेशन क्या होता है गाइस? तो हम कहें एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एट द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, और रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी को मैथमेटिकली तो हम यही बोलेंगे कि ये डिफरेंशिएशन है वेलोसिटी और टाइम का, बट इसे हम ये भी बोल सकते हैं डेट इज द स्लोप ऑफ वी वर्सेस टाइम ग्राफ। जिस तरीके से हमने डिस्प्लेसमेंट और टाइम के स्लोप को, ग्राफ के स्लोप को बोला था वेलोसिटी, हम इसी तरीके से बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम, और ये हो गया वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का स्लोप। तो हम कहे ठीक है गाइस, यहाँ से स्लोप पता चल गया, और ये सभी कंडीशंस जो हमने यहाँ पे देखी ऊपर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के ग्राफ के लिए, वो सभी यहाँ पे वैलिड हैं। तो अगर गाइस हम बात करें कि एक्सीलरेशन को हम इस तरीके से डिफाइन कर दिए डेट इज द रेट चेंज ऑफ इतना, तो अगर हम बोले कि अगर हम डी वी वाई डी टी एक्सीलरेशन कॉन्स्टेंट बोलना चाह रहे हैं, तो इनडायरेक्टली गाइज हम ये बोलेंगे कि हमारा स्लोप कॉन्स्टेंट हो, और स्लोप कॉन्स्टेंट का मतलब गाइज ये होने वाला है क्या, वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन बनने वाला है कहीं ना कहीं, क्योंकि स्लोप कॉन्स्टेंट होना स्ट्रेट लाइन ग्राफ को बताता है। वेलोसिटी टाइम का ग्राफ कैसा होने वाला है, स्ट्रेट लाइन। और अगर हम इस गिवन प्लॉट को देखें तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को बताएगा। इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर गाइस हमारा ए सी और डी, डेट इज आवर आंसर, बट आंसर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंसेप्ट जो कि हमने यहाँ पर सीखा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।